फ्रेंड्स, वेलकम टू चंद्र इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं साइंस में फिजिक्स पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट देखेंगे। मैं जैसा कि आपको वादा किया था कि दोस्त, हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसका चैप्टर वाइज आपको प्रैक्टिस देंगे, तो मैं उसी वादे के मुताबिक आज आपके सामने उपस्थित हूँ अपने फिजिक्स के प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट में। और अभी तक मैंने आपको लाइट का चैप्टर पढ़ा दिया है और आज मैं आपके सामने लाइट के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। बोल रहा है कि प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ध्यान से देखिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करिएगा कि प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, दूसरा है अपवर्तन पर, तीसरा है प्रकीर्णन पर और चौथा है व्यतिकरण पर। तो इस क्वेश्चन का आप लोग करेक्ट आंसर देने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे। अब एक चीज समझिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए आपको मैंने क्रिटिकल एंगल वहां पे समझाया था। अब देखिए, मैंने बताया था कि जब प्रकाश किरण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए मैंने एक चीज आपको बताया था कि दो शर्तें होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, प्रकाश किरण हमेशा क्या करना चाहिए, सघन माध्यम से कहां जाना चाहिए, विरल माध्यम में, ठीक है। और दूसरा कंडीशन मैं आपको पढ़ाते टाइम थ्योरी में बताया था कि हमेशा आई जो होगा, हमारा जो आपतन कोण होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा किस से, क्रांतिक कोण से, क्रिटिकल एंगल से, आपको मैंने थ्योरी में टोटली बताया था। अब देखिएगा, आप जैसे कि अपवर्तन में पढ़े क्या थे कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एज्यूम, थोड़ा सोचिएगा, अगर ये कांच है, ये माध्यम क्या है, कांच है, ठीक है। अब इस कांच से, इस ग्लास से, ये हमारा क्या है, कांच है, इस ग्लास से वाई हमारा प्रकाश किरण किधर जा रही है, एयर में जा रही है। लेकिन प्रकाश का गुण क्या होता है, होता क्या है, सुनिएगा, प्रकाश का गुण होता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये चीज मैंने आपको बताया था। अब देखिए, प्रकाश के किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे नहीं जाती है प्रकाश की किरणें। क्या होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, अगर हम लोग आपतन कोण को और बढ़ाते जाएं और बढ़ाते जाएं, तो प्रकाश के किरणों का अगर मान लो ऐसे करते जाएं तो प्रकाश की किरणों का अब क्या होगा, अब भैया परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन नहीं होगा, अब प्रकाश के किरणें परावर्तन के नियम का फॉलो करने लगेंगी और एक ही माध्यम में क्या करने लगेंगी, रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करके ही हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं, प्रकाशिक तंतु बनाते हैं, जो कि आपको, जो हमारे पेट के अंदर की कोई भी बीमारी होती है उसको पता कराने में यूज किया जाता है। लेजर किरणों को हमारे अंदर भेजने में, हमारे पेट के अंदर भेजने में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिससे कि कोई भी हमारे पेट में कोई भी डैमेज अंग हो या कोई भी रोग हो तो उसका हमको फिगर बाहर भेज सके, या फिर चाहे दूर संचार में सिग्नलों के जो सिंगल होते हैं उनको भेजने में भी क्या किया जाता है, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी में पढ़ाया है और वहाँ पे विधिवत एकदम एक्सप्लेन करके मैंने बताया है आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए, अभी तक जो मित्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो एक बार लाइक कर लें, और सभी लोग आप मेरे लिए, अगर आपका जो लाइक और शेयर होता है उसी से हम लोगों को एनर्जी मिलती है, और मेरे लिए आप एक बार ज़रूर शेयर, लाइक और कमेंट जरूर मेरे लिए करिए, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर टू देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सामने मैं ला रहा हूं। कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है सेंटीमीटर में, और ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है आपको, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, बताओ,
विकल्प ए 25 सेंटीमीटर, विकल्प बी में है 5 सेंटीमीटर, विकल्प सी में है 75 सेंटीमीटर, विकल्प डी में है 100 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है बताइएगा आप लोग, सही सही बताइएगा। इस करेक्ट बहुत सारे दोस्तों का करेक्ट आंसर आ रहा है, तो इसका हमारा होगा 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। दोस्त आपको वादा है आप केवल इस सारे क्वेश्चन नोट करते जाइए, आपके एग्जाम में यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, हर एक चैप्टर वाइज आपको मैं सोल्यूशन दूंगा, हर एक का न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, हर एक की जो थ्योरी होगी, जितने भी थ्योरी पर जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित रहूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग। यह है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है कि अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है किसके कारण, परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, देखिएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सन उगते समय और डूबते समय, उगते समय पहले और डूबते समय बाद में दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन आता है सूर्य से, ठीक है। सूर्य अस्त से पहले और सूर्यास्त से पहले भी सूर्य दिखाई देता है, क्या कारण होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। और पूछता है अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है, जहां भी अगर कलर की बात कर दे तो आप समझ लेना सिर्फ और सिर्फ प्रकीर्णन की, स्केटिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा प्रकीर्णन के कारण। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता कि सूर्यास्त तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, क्वेश्चन क्या कहता, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है, ये किसके कारण, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, यहाँ पे अपवर्तन के कारण हो जाएगा, राइट right? मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। उचित रीति से काटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि इसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो वह बहुत कठोर होता है, उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। देखो एक चीज मैं बता दूं तुमको, अगर ऐसे जहां भी डाउट वाले क्वेश्चन मिले, जहां पे आप अगर आपसे बोलता सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो शायद आपका काम बन जाता और आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को टिक कर देते और आपके विकल्प सही हो जाते, ठीक। लेकिन आपको विकल्प में कहीं पूर्ण आंतरिक परावर्तन जैसी कोई चीज नहीं दिख रही है, यहां पे आपसे विकल्प में दे रहा है कि उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, जो कि गलत है, पारदर्शिता से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और कह रहा है उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है शायद, क्योंकि अपवर्तन की बात कर दिया तो लाइट में ही होता है सारी चीजें। और सी में कह रहा है वह बहुत कठोर होता है, और डी में कह रहा है उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। देखो उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इसके मतलब कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है, इसका मतलब कि प्रकाश का क्या होता है, हीरे पे जब पड़ता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में जहां पे आपकी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाओ, जहां कि आप अपने मार्क से विचलित हो जाओ, आप ऐसे क्वेश्चन को गलत टिक करके आओ, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो आपको बारीकियों को देखना है और समझना है। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। अब अगर निकट दृष्टि दोष की बात आई तो निकट दृष्टि दोष होता क्या है, सुन लो पहले, ठीक है। निकट दृष्टि दोष जो दोष होता है वहां की तो वस्तु दिखाई देती है, अगर बोल दिया जाए किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब क्या है, अर्थात निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। क्या
निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है, ठीक है, वो रेटिना से पहले बन रहा है, तो कह रहा है कि आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न प्रयोग से दूर किया जा सकता है। कौन से लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, समतल उत्तल लेंस। तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो इनको आप कैसे पकड़ेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। दोष दो टाइप्स के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। और आप कंफ्यूज होते हो कभी कभी, तो आप देखो उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक साइड लिखो निकट और एक साइड का लिखो दूर और एक साइड लिखो आप क्या अवतल और एक साइड क्या लिखो उत्तल। ध्यान से सुनो क्या क्या लिखना है। एक साइड लिखना है निकट और एक साइड लिखना है दूर। एक साइड क्या लिखना है अवतल और एक साइड लिखना है उत्तल। अब आपको यहाँ से मैचिंग कैसे कराना है, इधर देखो कम नंबर वाला वो है ना सब, यानी यहाँ दूर में दो ही शब्द है और उत्तल में कितना है तीन है, और यहाँ पे देखो निकट में तीन शब्द है और अवतल में कितना है चार, यानी कम वाला शब्द कम वाला के साथ। अर्थात अगर कोई आदमी को दूर दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज करेगा? उत्तल। अगर किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस यूज करेगा? अवतल। समझ में आया? कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, क्लास सही है, मजा आ रहा है, कंटिन्यू आपको प्रैक्टिस दिया जाए? कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। आप कह रहे हैं कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो छाता होता है ना, तो छाते धूप से बच रहे, धूप से बचने के लिए कह रहा है, आपको क्वेश्चन सुनना ध्यान से। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा सबसे उचित है। देखो कह रहा है ऊपर काला नीचे उजला, और आपको मैं बता दूं काला रंग उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, सुनिएगा, यानी उष्मा को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है। तो क्या हम चाहेंगे क्या कि हम जो छाता लेकर जाएंगे और वो क्या करे गर्मी पैदा करे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप सुने होंगे बचपन से ही कि बोला जाता है कि गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है सूर्य की प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है ना। तो यहाँ पे सुनिए, ये तो विकल्प आपका पहले गलती हो गया कि ऊपर काला नीचे उजला, ये नहीं होना चाहिए। सुनिएगा ऊपर उजला नीचे काला, और आगे विकल्प देख लीजिए मात्र काला मात्र उजला, ऐसा कुछ नहीं। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊपर उजला रंग होना चाहिए और नीचे क्या होना चाहिए? काला रंग होना चाहिए। ठीक है, आप क्योंकि जानते हैं कि जो काला रंग होता है वो हीट का सबसे अच्छा क्या करता है अवशोषक होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या होना चाहिए उजला और नीचे काला। अब आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। समुद्र नीला प्रतीत होता है अधिक गहराई के कारण, ठीक है, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और सी कह रहा है जल के नीले रंग के कारण, और डी कह रहा है जल के ऊपरी सतह के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आपको जहां भी ऐसा क्वेश्चन बोले आप डायरेक्ट टिक लगाइए प्रकाश का प्रकीर्णन। और इस प्रकीर्णन की खोज किसने किया था? सीवी रमन ने किया था, और सीवी रमन को इसी के खोज के कारण भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको लिखना पड़ेगा, लिखते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन बनते हैं कि सीवी रमन को भौतिक विज्ञान के किस खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था। तो उसने ये बताया था कि जो जल के ये जो, ठीक है, तो ये कहा जाता है समुद्र क्यों नीला, समुद्र का पानी नाला नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
इस वी रमन साहब ने बताया थे, और इसी के लिए उनको क्या किया गया था, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए अर्थात घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितना डिग्री घूम जाएगी। सुनना, कोई समतल दर्पण है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर में दिया है, आप अगर इसका विकल्प अगर देखिएगा तो आपको उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं बचा जो कि मैं आपके लेक्चर में नहीं पढ़ाया हूँ, अगर आपने पढ़ा है तो आप 100% करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 0 डिग्री, थीटा डिग्री, 2/2 और 2θ। देखो कह रहा है कि एक समतल दर्पण है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये क्या है, प्लेन मिरर है, इसको ये हमारी आपतित किरण होती है, ये कौन सी किरण होती है, अपवर्तित किरण, और ये क्या होता है, अभिलंब होता है, लिख लो आपतित किरण, और ये क्या होता है हमारा, अभिलंब, नॉर्मल जिसको बोलते हो, लिखो, और ये क्या होता है, परावर्तित किरण। ठीक है चलो, और ये दर्पण होता है, कह रहा है कि अगर इसको थीटा कोण से रोटेट कर दिया जाए तो ये वाली किरण कितना डिग्री घूम जाएगी, अगर ये ऐसे है, पहले ऐसे था, अब क्या कर दिए, ऐसे रोटेट कर दें, किसको, ये आपतित किरण हमेशा क्या होगी, नियत रहेगी, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगा। ठीक है, तो जब इसको हम लोग नियत करके दर्पण को थीटा डिग्री रोटेट करेंगे तो जो हमारी परावर्तित किरण होगी वो कितना डिग्री घूम जाएगी, 2θ, राइट, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा 2θ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये हैं, आपको क्रम चुनना है। तो मैं बता दूं, जो टेलीविजन होता है रंग 3 प्रकार के होते हैं, आप सुनिएगा, एक प्राथमिक रंग, एक द्वितीयक रंग और एक पूरक रंग। प्राथमिक रंग जो रंगीन टेलीविजन होता है उसमें प्राथमिक रंग का प्रयोग किया जाता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे और कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए। तो मैं बता दूं कि जो हमारे प्राथमिक रंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, लाल, हरा और नीला। तो इसमें से देखिएगा, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं, ये है लाल, नीला तथा नारंगी, नहीं, लाल, हरा तथा नीला, हाँ, प्राथमिक रंग यही है, इन्हीं का उपयोग कहाँ किया जाता है, रंगीन टेलीविजन में, ठीक है। और द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं, पीला है, ध्यान से सुनिएगा, पीला है, पिकॉक, नीला है और मैजेंटा है, ठीक है, एक ट्रेंगल मैं बना दे रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेंगे और उसको शायद समझ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, उस ट्रेंगल को आपको याद करना है, क्या होता है रंग, आपको बस ट्रेंगल याद करने हैं, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। आप ट्रेंगल याद करिए, मैं बना दे रहा हूँ ट्रेंगल आपके लिए, हाँ चलिए, ये ट्रेंगल हो गया हमारा, आप ध्यान से देखिएगा, इसके टॉप यहाँ पे क्या लिखिएगा, लाल, क्या लिखेंगे ऊपर में, लाल, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, हरा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीला, ठीक है, सॉरी सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, नीला, ठीक है, ये क्या होगा, नीला। देखिए लाल, हरा और नीला, आपको बीच में कर देना है सफेद, और यहां पे आपको लिखना है, आपको मैं बता दूं कैसे होता है, जब हरा और लाल को मिलाया जाता है, ठीक है, तो किस रंग का निर्माण होता है, पीला रंग का, और पीला रंग क्या होता है, द्वितीयक रंग। जब दो प्राथमिक रंग एक
साथ मिलाए जाते हैं तो किसका निर्माण होता है? द्वितीयक रंग का। जब लाल और हरा को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? पीला का। जब हरा और नीला को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? पीकॉक नीला का, जिसको मयूरी नीला बोलते हो, ठीक है, पीकॉक नीला, पीकॉक नीला, ठीक है। अब देखो, इसके बाद जब लाल प्लस नीला मिलाओगे तो किसका निर्माण होगा? मैजेंटा। ध्यान से देखना, किसका निर्माण होगा? मैजेंटा। और जब एक पूरक रंग और एक प्राथमिक रंग और एक क्या करता है, द्वितीयक रंग मिलता है तो किसका निर्माण होता है? पूरक रंग का। और पूरक रंग कौन सा होता है? केवल एक ही होता है, सफेद होता है। जैसे अगर हरा प्लस मैजेंटा को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? सफेद का। अगर लाल प्लस पीकॉक नीला को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा? सफेद का। अगर पीला प्लस नीला को मिला देंगे तो किसका निर्माण होगा? सफेद का। अर्थात ये सब कौन से रंग है भैया? ये सब हमारे सफेद जो है, जितने भी सफेद रंग हमारा किसका है? सफेद रंग हमारा क्या होता है? पूरक रंग होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक रंग केवल तीन होते हैं, लाल, हरा और नीला। द्वितीयक रंग भी तीन होते हैं, कौन कौन? पीला होता है, मैजेंटा होता है, पीकॉक नीला होता है। और पूरक रंग केवल सिर्फ और सिर्फ एक होता है, वो कौन सा होता है? सफेद होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इस चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है क्लास, जरूर कमेंट करिए। चलिए, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? मैंने आपको प्रिज्म पढ़ाया था, ठीक है। प्रिज्म में हमने क्या बताया था आपको? देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, प्रिज्म में हमने आपको पढ़ाया था, याद रखिएगा ये वाला। यही मैंने प्रिज्म पढ़ाया था आपको, और ऐसे प्रकाश की किरण को गुजारा था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था, एकदम सीधा जाना चाहिए था, क्योंकि हमने प्रकाश का गुण क्या बताया आपको कि प्रकाश की किरणें एकदम सीधा जानी चाहिए, ठीक है, एकदम ऐसे 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 इसको जाना चाहिए था। लेकिन जब प्रकाश किरणें प्रिज्म पर पड़ती हैं तो देखो क्या है, इधर एयर में तो क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है? कुछ और होती है। कांच में प्रकाश की चाल और होती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सात रंगों का मिश्रण होता है, न्यूटन ने बताया था। कैसे? प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना के आधार पे बताया था ना। तो अब यहीं पर प्रकाश की वर्ण विक्षेपण की घटना के आधार से हम लोग देख लेते हैं कौन सा रंग किसकी चाल कम होती है, किसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है, किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, और किस रंग के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। देखो यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है, एक पॉइंट से आपको चार पांच क्वेश्चन मिल जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो प्रकाश के किरण को जाना चाहिए था इसे एकदम सीधा, लेकिन आप प्रकाश के अपवर्तन में क्या पड़े हो? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, प्रकाश किरण एयर में थी, वायु में थी इधर। अब प्रिज्म जो होता है वो किसका बना होता है? कांच का बना होता है कि नहीं? अब प्रकाश किरण एयर से कांच में जा रही है तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सात रंगों में भी विभक्त हो जाती है। लाल ऐसे हो जाता है, देखो ध्यान से देखते रहना, ये सात रंगों में क्या करती है? विभक्त हो जाती है और एक अपने स्पेक्ट्रम पे प्राप्त होती है। सबसे आपने पढ़ा होगा विविग्योर, ठीक है, VIVGYOR पढ़ा है ना। यानी जिस रंग की जितना कम स्पीड होगी, जितना कम वेग होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा, विक्षेपित होगा, होगा ना। अब यहाँ पे देखिए, वायलेट यानी बैगनी रंग की स्पीड सबसे कम, यानी वो धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ से धीरे धीरे आया। अब इसकी चाल कम है तो ये बेचारा क्या किया? अब लाल की जब चाल ज्यादा थी, देखिए लाल की चाल ज्यादा थी, वो ऐसे ही मारा ऐसे निकल गया, लेकिन बैगनी की चाल क्या है, धीरे धीरे है। अब ये धीरे धीरे बेचारा ऐसे एकदम धीरे धीरे ज्यादा कोण से विक्षेपित हो रहा है। आप सपोज दैट आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ा सा एज्यूम करिए, जैसे कि आप कभी गाड़ी चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, जब कभी टर्न आता है, अगर आपकी साइकिल स्पीड में होती है तो आपको मोड़ने में कठिनाई आती है कि नहीं? अगर आप धीरे धीरे चला रहे होते हैं तो क्या होता है, आप एकदम इजीली से मोड़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, वही देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है, लाल रंग की चाल ज़्यादा है,
अब ये आया कांच में पड़ा, कांच को फाड़ते हुए यूं ऐसे निकल गया। लेकिन बैगनी रंग की क्या है, बैगनी रंग की चाल धीमी है, स्लो है। अब बेचारा ये आया ऐसे चले आया, एकदम ऐसे विक्षेपित हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, किस रंग की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है। तो आप समझिए, जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उसकी ज़्यादा ही चाल होगी। तो लाल रंग की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है और सबसे ज़्यादा चाल भी होती है। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास होती है, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग के पास होती है। सबसे कम एनर्जी किसके पास होती है, तो लाल रंग के पास होती है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस रंग की होती है, तो बैंगनी रंग की होती है। आप लिख लीजिए अपने नोटबुक में। ठीक, तो आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसमें क्या आपका करेक्ट आंसर होगा, बैंगनी। ठीक है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है, तो बैंगनी। आप कमेंट करके बताएंगे आपको कैसी लग रही है क्लास। और बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम बहुत मेहनत करती है आपके क्वेश्चन को लेकर, और सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आप देखते रहिएगा और आप अपने नोटबुक में क्वेश्चन करते रहिए, लिखते रहिए, और आप एग्जाम में से आइएगा तो आपको शायद इसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी। और मैंने बताया था आपको लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होती है, अर्थात P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। लेकिन f किस में होगा, हमेशा मीटर में होगा। ये भी मैं आपको बताया था लेक्चर में, आप देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा। वहाँ तो और थ्योरी है आपको पूरी हमारी लेक्चर वाइज। जो बच्चे अभी तक, जितने भाई बहन अभी तक, अगर जो 6 to 8 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, स्पेशली मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन करके देखिए कितना मज़ा आता है। आपको एकदम टोटली लेक्चर वाइज वीडियो मिलेगी और वहाँ पे बहुत सारी थ्योरी, एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर कर देते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लाइव में तो मैं प्रैक्टिस दे ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए P इक्वल टू का होता है 1/f होता है ना। अब देखिए अब क्या होती है, फोकस दूरी। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी हमेशा मीटर में होती है। ठीक है, और जब लेंस, जब फोकस दूरी मीटर में होगी तभी क्षमता डायोप्टर में होगी, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए 1/f, तो यहाँ पे क्षमता क्या दिया है, -2 डायोप्टर। कमेंट करके आप जरूर इसका उत्तर देते रहिए। ठीक है, हम तो बता ही रहे हैं आपको 1/f। आप इधर से देखो P इक्वल टू का होता है 1/f। अब यहाँ पे आपको गिवन क्या है, देखो P दिया है -2 डायोप्टर। ठीक है, 1/f। अब ये क्या हो जाए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2f। ठीक है, 2f इक्वल टू का हो जाएगा 1। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी हो जाएगा 0.5 मीटर। देखिए ये क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है कि क्षमता किस में है, -2 डायोप्टर में, तो हमारी फोकस दूरी भी क्या होगी, -0.5 मीटर। और यहाँ पे आपका करेक्ट विकल्प होगा डी। अब सुनिए, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर किसी मनुष्य के आँख में -2 डायोप्टर शक्ति वाला शक्ति क्षमता शक्ति, ठीक है, क्या कहेगा क्वेश्चन, यदि किसी मनुष्य के आँख में -2 डायोप्टर शक्ति वाला लेंस यूज हो रहा है तो मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस प्रयोग में किया जा रहा है, कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जा रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर देखो तो मैं आपको बता दूं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। जब फोकस दूरी धनात्मक होगी तो शक्ति भी क्या होगी, धनात्मक होगी, और जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी उसकी शक्ति भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। जैसे कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता अर्थात शक्ति भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ध्यान से देखिएगा, पावर इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स करने से हमारे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अभी तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट है और इसके बाद तो ये आगाज है मेरे भाई, अभी तो बाकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं।
तो मैंने बताया था इसके लिए अनंत लिखिए आप, कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं, अनंत। और सारे बहुत क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे देखते जाइए, इसका दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य मान प्रसार होता है, यहाँ पे देखिए नैनोमीटर में दिया है, आप विकल्प पे थोड़ा सा ध्यान देखिएगा दीजिएगा, यहाँ पे दिया है 200 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर के बीच, विकल्प बी में दिया है 250 से 850 नैनोमीटर के बीच, यहाँ पे दिया है 300 से 800 नैनोमीटर के बीच, और यहाँ पे दिया है क्वेश्चन डी में दिया है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। तो यहाँ पे देखिए नैनोमीटर में, और आप पढ़ते क्या आ रहे हैं बचपन में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आप जब भी प्रकाश के वेवलेंथ की बात करते हैं तो आप कहते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम से कहाँ तक, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। और मैं पढ़ाते टाइम आपको ये भी बताया हूँ कैसे किसको किस में कन्वर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे एंगस्ट्रॉम है तो यहाँ पे नैनोमीटर में, आपको एकदम करेक्ट नहीं होगा डी, यानी 390 से 780 नैनोमीटर के बीच, ठीक है। एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, एक नैनोमीटर में होता है देखिएगा 10^-9 मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, बदल लीजिए 10^-10 मीटर, सारा चीज आप लिखते रहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, यदि किसी एनक के लेंस की पावर, देखो एनक नहीं है, आप लेंस होना चाहिए, क्योंकि एनक में हम लेंस नहीं यूज करते हैं, एनक में हमारा दर्पण होता है, जो शीशा होता है जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो शीशा होता है, चलो ठीक है। यदि किसी एनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी, अब यहाँ पे देखो +2 डायोप्टर दिया है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, अब यहाँ पे आपको पावर क्या दे दिया है +2 डायोप्टर, और P=, हमने क्या पढ़ा है, 1/f, f किस में होगी, हमेशा मीटर में होगी, आपको ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे P=, का हो जाएगा 1/f, अब यहाँ पे हो जाएगा +2 = 1/f, यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2f = हो जाएगा 1, तो f = हो जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 0.5, ठीक है, कितना आएगा 0.5, अब ये किस में आ जाएगा, मीटर में, लेकिन आपका क्या विकल्प मीटर में है, क्या विकल्प मीटर में है, नहीं ना, अब देखो सेंटीमीटर में सारा विकल्प है, तो आप जानते हो 1m = 100 cm होता है, अब इसलिए 0.5m = कितना सेंटीमीटर बताओ, 50 cm, कितना 100 × 0.5 अर्थात 50 cm, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सी 50 cm, लगाते रहिए, मस्त रहिए, एकदम व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए मस्ती से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है, उत्तल अवतल वर्तुलाकार समान मोटाई का, तो देखो कैमरे में चाहे सूक्ष्मदर्शी चाहे माइक्रोस्कोप, जब भी ऐसे कोई वर्ड आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपका उत्तर होना चाहिए उत्तल लेंस, कौन सा, उत्तल लेंस, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा उत्तल लेंस। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएंगे वीडियो कैसी लगी, कैसा रहा फर्स्ट आपका पेपर, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, ठीक है। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ डेली प्रैक्टिस, अपना साइंस का प्रैक्टिस लेकर, और डेली टू डेली आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दूंगा गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, चलिए।